हाँ तो भाई साहब, क्या हाल चाल? जय श्री महाकाल। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो में अपन उस गाड़ी की बात करेंगे जो हर किसी के लिए तो नहीं है, लेकिन जिसके लिए है उसके लिए वो वरदान है। क्योंकि भाई साहब, ये गाड़ी उन्हें इंडिपेंडेंट बनाती है। इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर, और आत्मनिर्भर होना सबसे बड़ी बात होती है। मतलब भाई साहब, आज की इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं न्यू मोशन की एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के ऊपर, यानी कि जो पैर से डिसेबिलिटी वाले लोग रहते हैं, यानी जिन्हें किसी भी रीजन की वजह से पैर में डिसेबिलिटी हो जाती है, जो चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, उनके लिए भाई साहब ये एक नई आशा की किरण है। क्योंकि ये गाड़ी उन्हें फिर से आत्मनिर्भर बनाती है, ताकि वो पहले जैसे घूम सकें, फिर सकें, जहाँ जो जैसे काम करते थे वैसे कर सकें। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे न्यू मोशन की एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के ऊपर, जिसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या कैसे काम करती है, और क्या क्या वो करने के कैपेबल है, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं आज अपन न्यू मोशन की ये इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। हाँ तो भाई साहब, आज अपने पास न्यू मोशन का एक स्कूटर, जो कि अपने डिसेबल पर्सन से इसके लिए, जैसे कि जो पाँव से डिसेबल रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही शानदार चीज़ है। इसमें आपको ये पूरा एक आगे से इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलता है, जिसके अंदर आपको इधर मोटर मिलेगी, इधर बैटरी पैक मिलेगा, इधर आपको अपने हेडलाइट मिलेगी, उसके बाद इधर आपको अपनी ये जो अपने टेबल चेयर रहती है उसको यहाँ पर ज्वाइंट करने का अपने वो मिलते हैं। तो वो आपको मैं आगे वीडियो में बता दूँ कैसे। बाकी भाई साहब, इसमें आपको अपना इग्निशन प्लग भी मिलता है, जिसके अंदर आपको इधर ऐसे गाड़ी बंद फिर चालू करने का, जैसे चालू कर ली उसके बाद आपको एक स्क्रीन मिलेगी अपनी, जिसको अपन 2 सेकंड दबा के रखेंगे तो ये चालू हो जाएगी। उसके अंदर आपको इधर अपनी स्पीडोमीटर बताएगा, और ये कितने टोटल चल चुकी वो बताएगा, ये आपको बैटरी बताएगा चल चुकी है ये बताएगा, हाँ, और ये कितनी बैटरी बची वो बताएगा, स्पीड वो तो बताएगा। उसके बाद ये आपको आपका रिवर्स गियर और अपना फॉरवर्ड करने के लिए, ये सर पीछे पार्किंग अपना, ये पावर है, पावर ऑफ ऑन, पावर ऑफ, अच्छा अपना किल स्विच तरीके का। और उसके बाद ये सर ये दो स्विच का है क्या अपने, ये एक हेडलाइट यानी एक हॉर्न, ये हॉर्न के लिए, और ये अच्छा ये अपनी आगे हेडलाइट। अब अपन एक बार इसको अटैच करके देखते हैं, क्योंकि डिसेबल्स के लिए तो इसको अलग अलग करना पड़ता है। अभी जैसे ये, अब इसको अपन अटैच करेंगे, उसके बाद फिर चलाएंगे, और फिर जब आपका यूज़ हो जाए तो उसको डिसअटैच करके आप अलग से रख के अपना जो भी नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें अटैच करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, देखिए जैसे ये सर कर रहे हैं, इसमें जो पिन रहती है इसमें आपको ये इस तरीके से अटैच करनी रहती है दोनों साइड से, उसके बाद ऐसे आपकी ये उड़ जाती है, ये दोनों अटैच हो जाते हैं, और उसके बाद ये लॉक हो जाती है दोनों साइड से। उसके बाद ये आपका बैटरी पैक है ना सर, ये आपका बैटरी पैक है, और ये गाड़ी का इग्निशन है, ये सर स्पीडोमीटर डिस्प्ले है, ओके ये डिस्प्ले आप, ओके सर। तो अभी आप चलाने के लिए तो ये दोनों लॉक को खोलेंगे, ओके तो लॉक काहे के लिए लगाते हैं सर, तो अभी जैसे आप अटैच करेंगे तो ये व्हील चेयर मूव होते रहेगा। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। यहाँ पे आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा सर, तो हमारे पास एक फर्स्ट स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड इज 25 किलोमीटर, ओके, और जो पहला है फर्स्ट रेंज में चलेगा दैट इज अराउंड 8 किलोमीटर, जी सर, सेकेंड वाला 16 एंड देन 25 मैक्स। तो आप स्टार्ट कर निकलेंगे, उसके बाद ये अपन गाड़ी चालू करी, उसके बाद ये अपना इधर जब गाड़ी ऑन कर ली, उसके बाद ये अपना ये हो गया। अभी देखिए जैसे कि इसमें अपन किल स्विच रहती है, उस तरीके के पावर बटन जो किल स्विच रहता है ना, वही वाला काम करता है। तो अपन ने इसको दबा दिया, अब देखो ये हल्की सी है ना, आगे चल रही है, अपना रिवर्स गियर भी रहता है, देखो जिसकी अभी हो गई अपनी रिवर्स। आप देखो आपने इस तरीके से चला ली, जब आप कहीं पे अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाए उसके बाद आपका ये जो कुछ लॉक्स रहते हैं, अपनी पहले गाड़ी बंद कर लीजिए, उसके बाद ये लॉक्स रहते हैं उसको अपन ने खोला, उसके बाद जो इधर ये जो व्हील्स के लोग रहते हैं उनको उसको लगाने से गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। उसके बाद अपने ये तो गाड़ी उसके अंदर, अच्छा ये अपन ने इधर वाला लॉक रहता है उसको ऐसा दबाना उससे ये गाड़ी खुल जाएगी। उसके बाद उसको ऐसे नीचे करना है, उसके बाद आपको लाभ में जाना है अपना कर लिया, उसके बाद आपको जाना है। बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे ये, बड़ी हमारे सर हैं जिनकी ये एडवेंचर है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश है। अविनाश जी IIT मद्रास से पास आउट है, बनाने वाले हैं मिस्टर स्वस्तिक सौरभ। अच्छा सर, वो IIT से हैं, वो हमारे फाउंडर हैं। जी सर, और ये एक नया स्टार्टअप है अपना, जिसका नाम अपना न्यू मोशन है। बाकी जो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, जो डिसेबल पर्सन है तो उनको अगर
किसी किसी कहीं आना जाना हो तो किसी की जरूरत नहीं, कहीं पे भी जा सकते। बाकी सर अगर आप इसकी टॉप स्पीड और लाइफ टाइम की बैटरी की बात करें, बैटरी बैकअप क्या कैसा रहेगा? जैसे टॉप स्पीड है इसकी 25 किलोमीटर्स। अच्छा, क्योंकि इसका एक रीजन है जैसे कि 25 किलोमीटर्स की वजह से लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी रोड्स पे चलाने पे। और ये हमारी बैटरी लाइक इसकी लाइफ टाइम है लाइक 15,000 से 16,000 किलोमीटर अगर कोई रेगुलर भी चलाएगा। नहीं, अपने एक चार्ज में कितना चल सकती है? 25 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड भी 25 किलोमीटर। अच्छा, 25 किलोमीटर की टॉप स्पीड और 25 किलोमीटर तक चल सकती है। और ये अपनी ये बैटरी निकलने वाली है ना सर रिन्यूअल में? ये आपकी बैटरी अगर जैसे आपके पास दो बैटरी हो तो आप है ना एक रिचार्ज निकाल के इस निकाल लीजिए और दूसरी बैटरी लगा लीजिए। ये बड़ा सही एडवांटेज है इस गाड़ी की, ये निकाल दिए उन्होंने। बढ़िया सर। और सर चार्ज होने में कितना टाइम लेती है? 4 आवर्स। और अगर फास्ट चार्जर से करें तो? नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। अच्छा अच्छा, ये नॉर्मली चार्ज होगा ना 4 घंटे में। अच्छा, तो देखिए भाई साहब इस तरीके से अपनी ये है न्यू मोशन की इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। और अगर वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो आपका इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। बाकी आपसे एक और विनती रहेगी कि आप अपनी कृपा थोड़े हमारे चैनल पर भी बनाएं, अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करें। और बस अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए भाई साहब जय श्री महाकाल।